भारतवर्ष की भूमि पे रहस्यों से भरे अनेकों वस्तुएं और कलाकृतियां मौजूद हैं, जो अपनी अनोखी रहस्यों की वजह से हमेशा से मशहूर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में महाभारत काल से जुड़ी भीमकुंड के बारे में आपको बताया था। आज हम जानेंगे बिहार के पटना में स्थित कभी ना सूखने वाले अगम कुआं के बारे में। प्राचीन काल में ऐसे रहस्यमय जल कुंडों और जलाशयों का मिलना उस वक्त के उन्नत तकनीक की गवाही देता है। अगम कुआं पटना के सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। इस कुएं का निर्माण मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय हुआ था, लेकिन इतना रहस्यमय कुआं उस समय बनवाया क्यों गया था, इस प्रश्न से इतिहास की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों के सिर कलम करवाकर उनकी लाशें इस कुएं में फिकवा दिए थे और अशोक के जो भी विरोधी होते थे उनको मरवाकर उनकी लाशें यहीं फिकवा देते थे। इस कुएं को अशोक का यातना गृह भी कहा जाता है। इसके अलावा अगम कुआं को अशोक का खजाना गृह भी कहा जाता है। कहा जाता है इस कुएं के अंदर 9 और कुएं हैं और सबसे अंत में एक तहखाना है। लेकिन सच तो ये है कि इस कुएं की सच्चाई आज भी सबके लिए एक रहस्य है। अगम कुआं की गहराई लगभग 105 फीट है। इस कुएं के पानी पर किसी भी मौसम, बाढ़ और सूखा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है। इसलिए इस कुएं का नाम अगम का कुआं पड़ा, क्योंकि अगम का शाब्दिक अर्थ पाताल से जुड़ा हुआ होता है। इस कुएं का पानी अपना रंग भी बदलता है। अगम के कुएं की संरचना अद्भुत है। प्रति वर्ष लाखों पर्यटक इस कुएं को देखने आते हैं। अगम के कुएं का पानी नहीं सूखने के पीछे एक तर्क दिया जाता है। कहा जाता है ये कुआं गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। एक बार किसी अंग्रेज की छड़ी बंगाल के गंगा सागर में गिर गई थी, जो बाद में इस कुएं से निकाली गई, जो आज भी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक साथ बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। लोगों को अगम के कुएं में बहुत आस्था है। उनका मानना है कि ये कुआं चमत्कारी कुआं है। कहा जाता है इस कुएं के जल से स्नान करने पर शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए गंगा की तरह इस कुएं की पूजा की जाती है। अगम के कुएं के पास ही माँ शीतला का मंदिर भी है, जिसमें माता के पूजा के लिए इस कुएं के जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगम के कुएं के खोज का श्रेय ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल को जाता है। इनके अनुसार उस समय पटना में जब भी कोई धनी व्यक्ति आता था तो इस कुएं में सोने और चांदी के सिक्के डालता था। इनके अलावा डकैत भी अपने काम में सफलता पाने के बाद इस कुएं में सिक्का डाला करते थे।